हुगली में गंगा तट पर बालक भोलानाथ खड़ा होकर गंगा की पावन धारा को निहार रहा था। संध्या काल में सूर्य भगवान अपने समस्त किरणों को समेटते चले जा रहे थे। सूर्य की लालिमा धीरे धीरे दिगंत में गहराने लगी थी। इससे गंगा का जल भी अरुण वर्ण का हो चला था। वो सोचने लगा कि इस दिनांत की ही भांति मेरे जीवन का भी अंत निकट है। वो अपनी वेदना से सदा के लिए मुक्त होने के लिए आया था, परंतु वहाँ उसने जो देखा वो अद्भुत, आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। गंगा की धारा में एक जटाजूटधारी सौम्य मूर्ति सन्यासी बार बार डुबकी लगा रहे थे। जब वे जल से ऊपर आते तो गंगा का पावन जल भी साधु के साथ साथ स्तंभाकार होकर ऊपर उठता और डुबकी के साथ फिर से नीचे चला जाता। ये जादुई लीला काफी देर तक चलती रही और भोलानाथ विस्मित होकर उसका अपलक अवलोकन करता रहा। सन्यासी माँ गंगा की धारा से बाहर निकले। उनके जटाओं से गंगा का जल मोती की बूंदों के समान टपक रहा था। गेरुआ वस्त्र गीला था और सूर्य की अरुणिमा से और भी आरक्त प्रतीत हो रहा था। उनका मुखमंडल प्रशांत था और दोनों द्रग उज्जवल और स्नेहपूरित थे। उन्होंने अत्यंत मधुर और प्यार से भोलानाथ को पुकारा और कहा, घबरा मत बेटा, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है? ये देख, तेरे शरीर का सारा विष मैं अभी उतार देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ भोलानाथ के सर पर रखा, उसको अद्भुत शीतलता की अनुभूति हुई। पागल कुत्ते के काटने से शरीर में फैले विष से हो रही असहाय जलन एकाएक ही खत्म हो गई। शिराओं में अमृत की धारा उमड़ने घुमड़ने लगी। बालक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आनंद इतना था कि जैसे समाधि ही लग गई हो। वो देर तक उसमें ही डूबा रहा। स्वामी विशुद्धानंद ध्यान की गहराई से उतर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखों से पलकों को उठाकर देखा तो उनके सामने उनके प्रिय शिष्य गोपीनाथ कविराज थे और उनके पास दूसरे आसन पर एक गौरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इन्हीं से सटकर छह और शिष्य भी बैठे हुए थे। गोपीनाथ जी ने अपने गुरु से इसका परिचय कराते हुए कहा, ये डॉक्टर पॉल ब्रंटन हैं, जो आपसे मिलने और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आए हैं। तिब्बत, भारत, मिस्र आदि देशों की यात्रा कर वहाँ के अलौकिक रहस्यों का अध्ययन इन्होंने किया है। स्वयं गोपीनाथ इन दिनों काशी में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। बाबा इन सबको शांत होकर सुन रहे थे, परंतु अभी भी वो ध्यान से बाहर नहीं हो पाए थे। गोपीनाथ जी ने कहा, बाबा आज कोई विशेष बात तो नहीं? बाबा ने कहा, नहीं, विशेष था कुछ भी नहीं, पर बचपन की ऐसी घटना जिसने मेरे जीवन की दिशाधारा बदल दी। आज उस अतीत की मीठी यादों में खो गया था और वे उस सन्यासी की सारी बातें बताने लगे। बताते समय वे बीच बीच में मौन हो जाते थे। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद गोपीनाथ जी ने कहा, बाबा उस सन्यासी ने क्या आपके भविष्य के बारे में कुछ बताया नहीं? बाबा ने कहा, बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मैं देवी प्रयोजन से तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, क्योंकि भविष्य में तुम्हें ज्योतिष और सूर्य विज्ञान पर गंभीर अनुसंधान करना है। इतना कहकर वे मुझे एक बीज मंत्र देकर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। अतीत की इन स्मृतियों को समेटने के बाद वे काफी सहज हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा, ये विदेशी मेहमान हमसे क्यों मिलना चाहते हैं और आखिर ये क्या जानना चाहते हैं? पॉल ब्रंटन की बातों का भाषांतर करके गोपीनाथ जी ने कहा, ये आपसे सूर्य विज्ञान के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं और कुछ प्रयोग भी देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, एक रुमाल दीजिए, अगर रेशमी हो तो बहुत अच्छा। पॉल ब्रंटन ने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकालकर उन्हें दिया। उन्होंने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और रुमाल पर उसके माध्यम से सूर्य की किरणों को केंद्रीभूत किया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सी सुगंध चाहिए? ब्रंटन ने कहा, जैस्मिन की सुगंध। बाबा ने अपने बाएं हाथ में रुमाल लिया और उसके ऊपर शीशा रखा। कुछ पल तक सूर्य की किरणें रेशम के रुमाल पर अटखेलियां करती रहीं। उन्होंने शीशा नीचे रख दिया और उनका रुमाल लौटा दिया। रुमाल में बेले की बीनी महक आ गई थी। फिर उसी रुमाल पर गुलाब और वनफशे के फूलों की सुगंध भी भर दी। इस घटना से गोपीनाथ जी को बाबा के संग हुई अपनी पहली मुलाकात की बात तो याद हो आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि भगवान बुद्ध का शरीर गंधमय था। वे जिस कुटी में रहते थे वो गंधकुटी के नाम से प्रसिद्ध थी। बाबा कह रहे थे, भक्तगणों को श्री कृष्णांग से विकसित जिस पुण्य गंध का अनुभव प्राप्त होता है, वो कस्तूरी, कपूर, नीलोत्पल, चंदन, अगरू, तुलसी, मंजरी आदि का सदिव्य सम्मिश्रण था। क्या तुम इस गंध को अनुभव करना चाहते हो? हाँ कहने पर उन्होंने कहा,
एक शीशी ले आओ। उन्होंने उस शीशी के अंदर सूर्य की किरणों को संघनित किया और फिर बोले, ये लो, ये भगवान कृष्ण के देह की गंध है। गोपीनाथ कविराज लिखते हैं कि मैं हैरान और हतप्रभ था। इस सुगंध से मेरी रग रग में रोमांच भर आया था। मैं ना तो जागृत था और ना ही सो रहा था। एक विचित्र सी स्थिति थी मेरी, परंतु एकदम अद्भुत। मैंने कहा, क्या मैं इसे अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? बाबा ने कहा, हाँ जरूर ले जाओ। जब तक इसे सुरक्षित रख सकते हो तब तक ये गंध बनी रहेगी। वे कह रहे थे कि श्री राधा जी के देह से निरंतर पद्म गंध निकलती थी, इसी कारण उन्हें पद्मिनी भी कहा जाता था। महाप्रभु श्री चैतन्य देव के देह से समर्थ विशेष में पद्म गंध निस्रत होती थी। ललिता सहस्रनाम स्रोत में भगवती त्रिपुर सुंदरी को दिव्य गंधाढ्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य सिद्ध होने पर देह में उसके प्रकृति के अनुरूप दिव्य गंध का आविर्भाव होता है। बाबा बता रहे थे कि योग की चार अवस्थाओं में से प्रारंभ की अवस्था में ही देह की शुद्धि होने पर दिव्य गंध का उदय होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी योगी के शुभ गंध का उल्लेख मिलता है। फिर मैंने पूछा, आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? उन्होंने बड़े प्यार से बताया था, ज्ञानगंज में हम लोगों को ये सब विज्ञान सीखने पड़ते थे। वहाँ योग एवं विज्ञान दोनों की ही शिक्षा दी जाती थी। विज्ञान विभाग के उपदेष्टा श्री मत्स्यामानंद परमहंस थे। वे असाधारण विज्ञान वेत्ता थे। योग शिक्षा श्री मद्गुराम परमहंस देते थे। उनकी उम्र हजारों वर्ष थी। श्यामानंद कहते थे कि सूर्य विज्ञान सीखने पर सब प्रकार के विज्ञानों का द्वार खुल जाता है। मैंने स्वयं भी इसको सीखने के बाद विज्ञान के अनेक सूक्ष्म आयामों की खोज की है और कर रहा हूँ। पॉल ब्रंटन ने गोपीनाथ जी से अंग्रेजी में कुछ कहा। इतने में वे अपने अतीत की स्मृतियों में वापस आ गए। ब्रंटन का पूछना था कि क्या ये सब योग है या फिर विज्ञान? बाबा ने कहा, ये योग नहीं है, विज्ञान का विस्तार है। सूर्य की रश्मियों को पहचान सकने पर और उन सब रश्मियों को यथाविधि मिश्रित कर सकने पर सब कुछ तैयार किया जा सकता है। नया गढ़ा भी जा सकता है और गढ़े को नष्ट भी किया जा सकता है, तथा प्रयोजन हो तो बनाए को रखा भी जा सकता है। और यदि तुम जान लो सूर्य रश्मि में निहित विशिष्ट शक्तियों को, तो उन्हें अलग अलग करके एकत्र कर सकते हो और तुम भी अद्भुत चमत्कार दिखाने में सक्षम हो सकते हो। पॉल ब्रंटन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, क्या आप सूर्य विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं? उन्होंने कहा, अभी नहीं, परंतु सिखाने का प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए कुछ विशिष्ट शिष्यों का चयन किया गया है। अभी सूर्य विज्ञान की एक बड़ी प्रयोगशाला बनाने में लगे हुए हैं। सूर्य विज्ञान के सिद्धांत, रहस्य एवं प्रयोग को सुनने समझने के बाद पॉल ब्रंटन अति आह्लादित थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बाबा विशुद्धानंद से शिष्यत्व की उन्होंने इच्छा प्रकट की, परंतु बाबा ने साफ कहा कि आदेश मिलने पर ही हम ये कार्य कर सकते हैं। जो भी हो, पॉल ब्रंटन सूर्य विज्ञान के इस अद्भुत रहस्य को अपनी आंखों से देखकर अचंभित थे। वे गोपीनाथ कविराज से कह रहे थे, भारत ही योग एवं ज्ञान विज्ञान का जनक है। जिस दिन ऋषियों के सूक्ष्म विज्ञान का अन्वेषण अनुसंधान होगा आरंभ होगा, उस दिन से भारत फिर से समस्त मानव जाति के उद्धारक की भूमिका का निर्वहन करने में समर्थ और सक्षम हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।